नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। एमएसएमई नीति को मंजूरी देने सहित कई प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। बता दें कि शाम 4:30 बजे कैबिनेट बैठक शुरू होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जो कि 4 बजे आयोजित होगी, और आपको बताया कि इसमें कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हाल फिलहाल में अगर बात करें तो विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हुआ है, उसके बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। माना ये जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। आपको बताया कि एमएसएमई नीति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ रणनीति तैयार करेगी, जिसको जो प्रदेश है उसकी बेहतरी को लेकर। साथ ही आपको बताया कि ऐसे कई सारे प्रस्ताव जो लंबे अवसर से पारित हो नहीं पा रहे हैं, उस पर समय नहीं मिल पा रहा है, सब मामलों पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताया कि जो हाल फिलहाल की तो साल के अंत में निकाय चुनाव है, तो इसको लेकर भी जो तमाम नीतियां हैं उसको भी बनाई जाएंगी। साथ ही आपको बताया कि स्वास्थ्य, पंचायती, शिक्षा, ग्राम विकास प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। आपको बताया कि जब से सरकार बनी है, 6 महीने सरकार ने अपने कार्यकाल पूरा कर लिया है, मगर अब तक नगर विकास क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखे तो पिछले जो सरकार था, योगी सरकार की पहली सरकार, उससे कहीं ना कहीं कमी दिखते हुए नजर आ रही है बजट को लेकर। तो हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले जो निकाय चुनाव है उसको देखते हुए नगरों को कुछ पैकेज दिए जा सकते हैं। वहीं आपको बताएं कि शिक्षा को लेकर जहां हाल फिलहाल में स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्षी दल हमलावर होते हुए नजर आए, तो माना ये जा रहा है कि स्कूलों की बेहतरी को लेकर कुछ फैसले सुनाए जा सकते हैं, या कुछ ऐसे राहत गरीबों के बच्चों को जो निम्न कोटि के जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ते हैं, तो उसको बेहतरी को लेकर, साथ ही साथ उसको जो अभी हाल बात की जाए तो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं कि स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटलाइज करके और स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी, तो इन सभी मुद्दों पर बात की जा सकती है कि स्कूलों में क्या बेहतरी लाए, क्या बदलाव ले आए, जिससे जो आम जनमानस के बच्चे हैं वो उनके जीवन का बेहतर हो सके। साथ ही आपको बताया कि पंचायती राज को लेकर भी बजट पास करने की उसमें भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तब देखने वाली बात ये होगी कि कई अहम प्रस्ताव भी पेंडिंग है, तो इन तमाम प्रस्तावों को लेकर आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में क्या फैसला आता है, क्या उस पर बात बनती है, और क्या देखने वाली बात ये भी होगी कि किन मंत्रियों के द्वारा कौन कौन से प्रस्ताव आज दिए जा रहे हैं। जी विवांशु, निकाय चुनाव नजदीक है, तो क्या निकाय चुनाव को देखते हुए प्रस्ताव कुछ पास किए जाएंगे? आपको बता दें कि ग्राम विकास, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पंचायती राज विभाग, चाहे बात की जाए शिक्षा, चाहे बात की जाए नगर विकास विभाग, इन सभी विभागों के प्रस्ताव आज पारित होने की बात कही जा रही है। मगर आपको बताए मयूरी की हाल फिलहाल में अगर देखें तो साल के अंत में निकाय चुनाव है, और माना ये जा रहा है कि जो नगर विकास मंत्री एके शर्मा है वो गुजरात कैडर के आईएएस है, उनका अगर देखें तो सर्विस उनका काफी बेहतर रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनाव से ठीक पहले क्या वो कुछ जो निकाय जो नगर है, साथ ही साथ नगर पंचायत है, उसके लिए क्या कुछ तोहफा देते हैं अपने पोस्ट से निकालकर, या अगर देखें तो क्या बजट जो काफी समय से पेंडिंग है, डूडो में काम भी काफी रफ्तार नहीं दिख रही है, तो डूडो को भी क्या कुछ बजट देकर जो इंटरलॉकिंग है, नलकूप है, सोलर लाइट है, तमाम जो सत्ता को लेकर काम है, क्या उस विषय में सरकार काम करती है, वो प्रस्ताव के बाद पता चलेगा। मगर देखने वाली बात ये होगी जहां सरकार की तरफ से तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं, और ये अगर मंजूरी होती इन प्रस्तावों पे तो कहीं ना कहीं इससे प्रदेश की बेहतरी होगी। जी भाई जी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए।
यूपी एटीएस की टीम लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ताजा जानकारी के अनुसार एटीएस और गाजियाबाद पुलिस में भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव में छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 11 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया। बताया ये कि पीएफआई से जुड़े होने के शक के चलते कार्रवाई की गई। यूपी एटीएस की टीम लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ताजा जानकारी के अनुसार एटीएस और गाजियाबाद पुलिस ने भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 11 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया। पीएफआई से जुड़े होने के शक के चलते कार्रवाई की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, यूपी एटीएस की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, अब छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए मयूरी, आपको बता दूं गाजियाबाद में लगातार ये पहले हफ्ते में दूसरी एटीएस की रेड है, जहां पर जो मुरादनगर के कलछनी गांव में है, जिस तरह से 11 लोग जो वहां के पीएफआई से जुड़े हुए सदस्य थे उनको एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है पूछताछ के लिए। हालांकि उनको अभी चौकी जेल में वहां बिठाया गया, थाने में बिठाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनसे ये जो पूरा मामला है, पीएफआई जो सदस्य जो जुड़े हुए हैं, लगातार गतिविधियां इनकी रहती है, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस तरह से ये लोग सम्मिलित थे और क्या क्या चीजें उसमें ये लोग गतिविधियों में रहा करते थे, ये सब मामले साथ में बाद में निकल के आएंगे। जी जी प्रवीण, पीएफआई से जुड़े होने के शक के चलते इन पर कार्रवाई की गई, तो क्या अभी तक पूछताछ में कुछ सामने निकल कर आ पाया है? देखिए एटीएस की टीम लगातार वो 11 व्यक्ति जिनको जो पीएफआई से जुड़े हुए सदस्य बताए जा रहे हैं उनको थाने में बैठाया हुआ है और उनसे पूछताछ की जा रही है, सभी पहलुओं पे बातचीत की जाएगी। उनसे पूछताछ में किया जाएगा कि आखिर किस तरह से वो जुड़े थे और क्या क्या पीएफआई जो एजेंडा चला रही है इस समय पर, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो क्या एजेंडा है उसमें, किस तरह से ये लोग कार्य करते हैं और क्या क्या चीजें गतिविधियों में शामिल रहते हैं। हालांकि कई ऐसे जो आप देख सकते थे कि दिल्ली में भी जो हादसे हुए उसमें भी पीएफआई के लोग मौजूद थे, उन्होंने उसमें एक घी का काम किया था, तो लगातार इस तरह के जो हादसे हुए होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, चाहे वो सीएनआरसी को लेकर भी था, तो इस तरह से जो एक टीम बनाई गई कि पीएफआई के तहत पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें कई नौजवान लड़के जो हैं वो सब शामिल हो रहे थे। तो जिस तरह से देखिए जिस क्षेत्र में मुरादनगर जो कलछनी गांव है वहां पर कह सकते हैं कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो वहां पर जो वहां की लोकल पुलिस के बिना वहां पर कोई कार्य नहीं कर सकती थी। एटीएस तो लगातार वहां लोकल पुलिस के संपर्क में रही और वहां की भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां तैनात हुआ, क्योंकि वहां पर आप पिछली बार भी जिस तरह से एक हफ्ते पहले जहां पर दो वहां के सदस्य जो उठाए गए थे पीएफआई वाले, तो उनसे भी वहां पर भी भारी मात्रा में कहीं ना कहीं पुलिस पहुंचने का आसार थे, लेकिन पीएफआई ने अकेले वहां पर जाने की वो जद्दोजहद जताई, लेकिन उसके बाद वो जो व्यक्ति था वो वहां से फरार हो गया, महिलाओं ने वहां पत्थरबाजी की जिसके कारण वो फरार हो गया। उसके बाद 7 बजे फिर दोबारा पुलिस वहां पहुंची, पुलिस बल लोकल पुलिस बल को लेकर, तब जाके वहां पर दो व्यक्ति को गिरफ्तार हुई। तो ऐसे इस बार जो एटीएस ने खास तौर पर लोकल पुलिस का सहारा लेकर साथ में उसको वहां पर भारी पुलिस बल ले जाकर वहां पर जिस तरह से 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ अभी लगातार जारी है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा आखिर ये लोग कौन है, किस तरह से ये लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये गतिविधियों में शामिल होते हैं। एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। जी प्रवीण, एटीएस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है, अभी 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या आगे भी कार्रवाई जारी है? देखिए लगातार जिस तरह से सभी प्रदेशों में जो एटीएस की टीम लखनऊ से रवाना हुई है और लगातार पीएफआई की जो इनपुट मिल रहे हैं, लगातार जो पीएफआई से जुड़े हुए जो नौजवान लड़के हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई किस तरह की आप गतिविधियों में रहते हैं, क्या क्या आपको आदेश आते हैं, उनके व्हाट्सएप कॉलिंग मोबाइल है, उनके पास जो लैपटॉप जो सामान बरामद हो रहे हैं उनमें छानबीन की जाएगी, आखिर देखा जाएगा कि आखिर ये क्या किस तरह से गतिविधि चलाते हैं और किस तरह से इस तरह जो पीएफआई में जुड़े हुए जो जितने भी लोग हैं उनसे सभी से पूछताछ की जा रही है। लगातार देखिए एटीएस जो है अपना काम पूरी बखूबी तरीके से कर रही है, क्योंकि हालांकि माहौल भी कई जगह पर क्रिएट हुए, लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, कई ऐसे राज्य रहे जहां पर धरना प्रदर्शन भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब जो पीएफआई है काफी एक्शन मोड में दिख रही है। जी धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए।
इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।